गाइज वेलकम बैक। तो आज एक आपके सामने लेकर के आई हूँ अमेजोन हॉल। ये मैंने अभी अमेजोन से कुछ सामान परचेज किया है, तो मुझे लगा आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या यहाँ पे परचेज किया है। थोड़ा सा ना मिक्स हॉल होगा इसमें, मैं बहुत सारी चीजें मैंने मंगाई हैं, सो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ा क्लोथिंग है एंड कुछ मेरी एक्स्ट्रा सामान है, वो मेरी सारी जरूरत की चीजें हैं एंड मैं टाइम टू टाइम जो जो जरूरत होती है अमेजोन से खरीदती रहती हूँ या फिर फ्लिपकार्ट या फिर मीशो से, सो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये जो हॉल है वो अच्छा लगेगा। जेन्युइन आपको अपना रिव्यू दूंगी जो भी जैसा प्रोडक्ट है उसके बारे में। ये मेरा कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एक टी शर्ट दिखाती हूँ, व्हाइट कलर की है ये, वैन हुजन की टी शर्ट है एंड व्हाइट है, फॉर्मल टी शर्ट है। आप इसको अपने अगर ऑफिस में पहनते हैं टी शर्ट वगैरह तो भी आप इसे पहन सकते हैं। इसकी जो मैटी है यानी कि इसका जो कपड़ा है वो काफी ज्यादा अच्छा है, सॉफ्ट वाला मैटी है तो कम्फर्टेबल है। कॉलर यहाँ पे दिया हुआ है, वैन हुजन का यहाँ पे ब्रांड दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सो ये कुछ इस तरह का है एंड आप इसे टक करके भी पहन सकते हैं। ये मेरे हस्बैंड के लिए मैंने मंगाया था, ऑर्डर किया था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो यहाँ पे मैंने ये एक कैप मंगाई है जो कि वूलन कैप है। इससे मैं सर्दियां चल रही हैं, टर्बन वूलन कैप है, बहुत ही प्यारी लगती है, बेबी जो है बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। तो यूनिसेक्स कैप है, आप चाहे गर्ल है बेबी बॉय है या गर्ल है, दोनों को आप इसको वेयर करा सकते हैं। कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट है एंड यहाँ पे एक फ्लावर बना हुआ है। मैं लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं क्योंकि सेल वगैरह जो है वो आती रहती है, चलती रहती है इसीलिए। ओके, तो यहाँ मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करूंगी। एक मैंने मरमेड ड्रेस मंगाई थी जो कि मैंने अगेन अपनी डॉटर के लिए मंगाई थी फोटो शूट के लिए। मैंने जो पिक्चर ऑर्डर किया था, मतलब जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था उसकी मैं पिक्चर लगा दूंगी, तो उसका जो कलर था वो थोड़ा डिफरेंट था, सो ये मुझे थोड़ा डिफरेंट पीस मिला है, बट ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है। ये देखिए मैंने जो ऑर्डर किया था वो पिंक एंड ब्लू, स्काई ब्लू कलर का था, बट मुझे यहाँ पे डार्क ब्लू एंड व्हाइट कलर का ये स्कर्ट मिला है। स्कर्ट के ऊपर ये यहाँ पे इसका टॉप है, ये इस तरह से है एंड कुछ नॉट्स दी हुई हैं बांधने के लिए। तो मेरा ये हो गया नेक्स्ट प्रोडक्ट। साथ के साथ मैं इसको पैक भी कर देती हूँ, रख देती हूँ, क्योंकि मेरी बेबी अभी सो रही है, रात के बज रहे हैं 11। जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल ग्लैम श्वेता को, पहली बार आते हैं तो। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। मुझे 2800 रुपीज ये कॉस्ट किया था इस ड्रेस ने, लेकिन इस ड्रेस को पता है अगर आप पिक्चर में देखेंगे, पहले आप पिक्चर देखिए कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ये ऑल्टर कराने की जरूरत नहीं है, रेडी टू वेयर ड्रेस है, स्टिच नहीं करवाना है। ये देखिए ये इसका ब्लाउज है, इसका मैं आपको फोटो लगा देती हूँ साइड में, जब मैंने इसको वेयर किया था तो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बट ये पिक्चर में ही एंड वीडियो में ही अच्छा लग रहा है, सामने से ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं ये आपको भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होगा एंड जब मैंने इसको ऑर्डर किया था जो ओरिजिनल पिक्चर देख करके वो भी बहुत ब्यूटीफुल था। इसका बैग देखेंगे आप तो वो भी बहुत अच्छा है, बट ये पहन के अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ क्योंकि ये 2800 रुपीस का ड्रेस है एंड ये मुझे बिल्कुल भी पहन करके अच्छा नहीं लग रहा था। जो मैंने वीडियो देखा था इसका वो केन केन था स्कर्ट में, सो वो सब देखते हुए ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखिए ये इसका फ्लेयर है, हो सकता है ये आपको वीडियो में अच्छा लगे, रेडी टू वेयर है ये। ये देखिए ये इसके फ्लेयर है एंड ये दुपट्टा है, यहाँ पे आप इस तरह से टक कर सकते हैं। सो ये मुझे बिल्कुल भी अब पसंद नहीं आया एंड मैं इससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी क्योंकि ये 100-200 रुपए कम 3000 का ड्रेस है, तो ये मैं तो रिटर्न ही करने वाली हूँ। ओके, तो मैंने नेक्स्ट यहाँ पे मंगाया है एक बेबी कैरी वाला बैग, जो आगे माँ जो मदर होती हैं वो बेबी को कैरी करती हैं। सो ये बहुत कंफर्टेबल बैग है, मैं इसको 2 से 3 बार यूज कर चुकी हूँ, सो मुझे ये अच्छा लगा। तो अगर आपका भी छोटा न्यू बॉर्न बेबी है तो आप इस तरह से बैग ले सकते हैं, इसका भी लिंक मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अमेजोन से मैंने इसको परचेज किया था एंड यहाँ पे लिखा हुआ है लुक मॉम, ग्रे कलर का है, बहुत ही फैंसी वैंसी सा नहीं है लेकिन काफी कंफर्टेबल होता है। इस तरह का बैग आप जब कैरी कर लेते हैं, बेबी को बांध लेते हैं, तो आप आराम से सामान भी कैरी कर सकते हैं, बेबी के कैरी कर सकते हैं एंड बेबी को भी लगता है कि हाँ मैं माँ के पास में हूँ, माँ की लैप में हूँ। तो मैंने ये एक नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो परचेज किया था। सो ये था मेरा छोटा सा अमेजोन हॉल जो कि मैंने अभी इस बार
अमेजोन से अपने लिए सामान परचेज किया था। आई होप आपको मेरा ये जो छोटा सा अमेजोन हॉल है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।